اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا وقال الله تعالى استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقال الله تعالى اقيم الصلاه لذكري صدق الله العظيم बुजुर्गो और भाइयों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू आपकी इस मस्जिद में बहुत वक्त पहले हाजरी हुई थी जिस वक्त मस्जिद इस शक्ल में नहीं थी बल्कि एक हॉल में जब नमाज पढ़ते थे उस मौके से दो तीन बरतबा हाजिरी रही उसके बाद शाह ने आज फिर अपनी इस आलिशान मस्जिद में और अपने इस आलीशान मकान में मुझे और आपको दीन की नस्बत पर जमा फरमाया जिक्र सिर्फ तस्बी का नाम नहीं है ये मसला समझ लें कि जिक्र सिर्फ तस्बी का नाम नहीं है कि सुबहान अल्लाह पढ़ने को जिक्र कहा जाए अल्हम्दुलिल्लाह को अल्लाह अकबर को ये भी जिक्र है लेकिन इसके अलावा नमाज भी जिक्र है रोज़ा भी जिक्र है जक़ात भी जिक्र है हज भी जिक्र रहे अच्छे अखलाक भी जिक्र है ये सारे मसाइल का ताल्लुक जिक्र से है के दीनी बातों का आपस में बैठ कर करना ये भी जिक्र है बुखारी शरीफ मेरे वायद है कि मलायका ऐसी मजलिस को जहाँ दीन की बातें होती हो चारों तरफ से घेर लेते हैं इस वक्त हमारी मजलिस मलायका से घेरे हुए हैं मेरे भाइयों हमें अपने आका की बात पर सौ फीसद यकीन है चाहे वो फरिश्ते हमें नजर आए या ना आए लेकिन हमें अपने नबी की बात पर यकीन है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात इरशाद फरमाई वो सौ फीसद सही है आप फरमाते हैं कि जब अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है तो उस मजलिस को मलाये का घेर लेते हैं चारों तरफ से और जब मजलिस खत्म होती है तो मलाये का दरबार रब में हाजिर होते है शाहते हैं अल्लाह को है, जानता है सब कुछ मालूम है तो फिर ये सारी बातें क्यों हो रही है मुझे और आपको बताने के लिए इसलिए कि अल्लाह अगर फरिश्तों से बात ना करता और नबी के सामने इस तरह का तस्करा न आता तो हमें कैसे पता चलता तो हमें बताने के लिए पूछता है कि तुम कहां से आ रहे हो वो कहते हैं कि हम फला जगह गए थे वहां तेरा और तेरे नबी का जिक्र हो रहा था तेरे तस्करे हो रहे थे तेरी यादें हो रही थी तेरी शरीयत का जिक्र हो रहा था अच्छा तो उन लोगों ने मेरे जिक्र के बाद कुछ मांगा है फरिश्ते कहते हैं अल्लाह हमने देखा कि वो हाथ उठाकर कह रहे थे अल्लाह हमें जन्नत था इस मजलिस को फरिश्ते जिक्र से ताबिर करते हैं यह मजलिस जो है ये जिक्र है फरमाया अच्छा वो जन्नत मांग रहे थे क्या उन्होंने मेरी जन्नत को देखा है फरिश्ते कहते हैं ना तेरी जन्नत को नहीं देखा कहा अच्छा अगर मेरी जन्नत को देख ले तो फरिश्ते कहते हैं रब करीम सारी जिंदगी खाना पीना छोड़कर जन्नत ही में लग जाएंगे अच्छा किसी चीज से वो पनाह भी मांग रहे थे ये बुखारी शरीफ की रिवायत है जिसका मैं तर्जमा कर रहा किसी चीज से वो पनाह भी मांग रहे थे कहा जहन्नम से आग से मेरी जहन्नम देखी कहा नहीं कागर देख ले तो कागर देख ले तो इनकी जिंदगी करवी हो जाएगी इनका जीना मुश्किल हो जाएगा तो रब करीम फरमाते हैं उस मजलिस में मलायका को मेरे फरिश्तों गवा रहो मैंने उस मजलिस में बैठने वाले सबको माफ कर दिया मैंने इस मजलिस में बैठने वाले सबको माफ कर दिया तो फरिश्ते अल्लाह से यूं कहते हैं कि रब्बे करीम सारे के सारे तेरी बात को सुनने नहीं आए थे कोई तो इसलिए आया था कि उसको किसी से मिलना था लेकिन जिससे मिलना था वो आगे था उसके इंतजार में बैठना पड़ा कोई इसलिए आया था कि मौलाना से मुसाफा हो जाएगा तेरा जिक्र मकसूद नहीं था कोई इसलिए आया था कि चलो घर पे भी बैठते हैं यहीं बैठ जाए सारे अच्छी नीयत से तेरे दीन की बात सुनने नहीं आए थे तो अल्लाह का सवाल रब्बुल आलमीन का सवाल रहमत वाले रब का सवाल वो अल्लाह कहता है कुछ तो मेरे नेक बंदे थे उसमें कुछ तो थे फरिश्ते कहते हैं हाँ कुछ थे जो सिर्फ तेरी निस्बत पर तेरी मोहब्बत पर आए हुए थे तो हदीस में अल्लाह के अल्फाज जो बड़ी पुख्तगी के साथ हमारे आका जिक्र फरमाते हैं, हमुल कौम लायस का जलीस वो कुछ नेक बंदे जो मेरे हैं मेरी मोहब्बत पर आए थे फरमाया वो ऐसे हैं कि उनके पास बैठने वालों को भी मैं महरूम नहीं करता जिस नीयत से भी आए थे सबको मैंने माफ कर दिया ये वो मजलिस है ये वो मजलिस है हमें इतनी अहमियत नहीं अब हैीन की मैं सही कहता हूं हम तो इंटरनेट वाले हो गए हम तो इंटरनेट वाले हो गए मैंने अभी एक जगह के अंदर कुछ बातें कही मैंने से कहा तुम्हें इंटरनेट से मालूमत मिलेगी तकवा नहीं मिलेगा इंटरनेट से इल्म मिलेगा इल्म किसको कहते हैं मालूमत और इल्म में फर्क है इल्म किस को कहते हैं इल्म आने के बाद इंसान नमाज बने इल्म आने के बाद अल्लाह से डरने वाला बने इल्म आने के बाद खशियत खुदाबंदी आए इल्म आने के बाद उसके दिल में तवाजु पैदा हो इल्म आने के बाद वो हराम से बचने वाला हो इम आने के बाद उसको आखिरत का यकीन आ जाए इल्म आने के बाद उसको कबर का यकीन आ जाए इसको इल्म कहा जाता है और अगर मैंने इंटरनेट खोल कर दुनिया भर की तफसले देख ली और दुनिया भर की हदीसों के मतलब देख लिए लेकिन न नमाजी बना न रोजेदार बना न तकवे वाला बना न इखलास वाला बना तो मालूम आई है दुनिया में यहूद नसारा के के पास बहुत मालूम है ढेर सारी मालूम से वो भरे हुए हैं कोई कमी नहीं है मालूम की इमाम मालिक से किसी ने फरमाया किस इल्म इल्म तो जैसे तार्च लाइट रोशनी वाली लाइट से तुम्हें रास्ता मिलता है इल्म के जरिए से अल्लाह का रास्ता मिलता हो वो इल्म है। और जो तुम्हें रास्ता ना बताए वो मालूमत है इसलिए मैंने उन से कहा तुम इंटरनेट से दुनिया भर की तफसरें देख लो लेकिन अगर इस मालूम के जरिए से खशियत पैदा न हुई खौफ पैदा न हुआ तकवा पैदा न हुआ पैसठ सात साल पचपन साल पचास साल की जिंदगी हो गई और खलवत में बैठ कर मोबाइल खोल कर गंदी तस्वीरें देखने का आदि बन चुका है तो हमें क्या मिला फिर मेरे भाइयों जो सीना बसीना इल्म आता है वो तकवा लेकर आता है वो वरा और परहेजगारी लेकर आता है वो दीन लेकर आता है वो अल्लाह की खशियत को लेकर आता है इसीलिए हजरत सहाबा ने बराह रास्त नबी से लिया ताबेन ने सहाबा से लिया तब ताबेन ने ताबेई से लिया आज तक ये सिलसिला इसी तरह चला आया ठीक है आप मालूम जरूर हासिल करें इंटरनेट से लेकिन तकवा वहां से नहीं मिलेगा तकवा कहा मिलेगा या इख्तियार करो, तकवा कहा मिलेगा फरमाया सच्चों के पास सालिहीन के पास नेक लोगों के पास अच्छे लोगों के पास अहलुल्लाह के पास बुजुर्गों की सोहबत में बैठो तुम्हें वहां तकवा मिलेगा जाहिर सी बात है अल्लाह के पैगम्बर मिसाल के जरिए से समझाते हैं वो जो भत्ती जलाने वाला जो होता है जो भत्ती जलाता है लोहा गर्म करता है स्टील गर्म करता है उसके पास बैथोगे कपड़े जल जाएंगे कम से कम काले तो जरूर हो जाएंगे और अगर नबी फरमाते हैं परफ्यूम बेचने वालों के पास बैथ हो गए इत्र बेचने वालों के पास बैथोगे वो तुम्हें इत्र देगा और अगर इत्र नहीं देगा तो कम से कम खुशबू तो जरूर मिलेगी नबी इस मिसाल को देकर उम्मत को ये समझा रहे हैं लोगो बुरो की सोहबत में बैठोगे तुम्हारा दिल जलेगा काला होगा बदखलाकियाँ आएगी जिंदगी बिगड़ेगी और अगर तुम अच्छों की सोहबत में बैठोगे नेकों की सोहबत में दीनदार की सोहबत में तो इस सूरत में तुम्हें अच्छाई की खुशबू मिलेगी परेजगारी की खुशबू मिलेगी अच्छे अखलाक आएंगे आज हमारे बच्चों के अंदर बेगार क्यों आ गया हम खुद ही कहते हैं इसको दोस्ती गलत मिल गई हम खुद ही कहते हैं मेरा बच्चा जब गलत रास्ते पर चला जाता है मैं कहता हूँ इसको दोस्ती गलत मिल गई इसको सोहबत गलत मिल गई इसीलिए फारसी में परसियन में कहावत है सोहबत साल तुरा साले पुनद सोहबत ताले तुरा ताले पुनद अच्छों की सोहबत तुझे अच्छा बनाती है और बुरों की सोहबत तुझे बुरा बनाती है जैसी सोहबत होती है कुरान ये कहता है या युहल्लदीना आमनु तकुल्लाह वकुनु मअस्सादिकीन ईमान वालों तक्वा इख्तियार करो सच्चों के साथ रहो इमाम मालिक से पूछा इल्म किसको कहते हैं फरमाया लैसल इल्म बिकसरत रिवायात इमाम मालिक कहते हैं एक हजार रिवायतों को जबानी कर लेना एक हजार रिवायतों का हाफिज बन जाना ये इलम नहीं है फरमाया फिर किस को इलम कहते हैं? फरमाया जो तुझे अल्लाह की रहनुमाई करे वो इल्म है। अल इल्म एक नूर है एक रोशनी है एक थे जो तुम्हें अल्लाह तक पहुंचाती है मुझे इमाम मालिक का एक वाकया याद आया उस जमाने का जो दिलों को हिलाने वाला वाकया है एक औरत को गुस्ल दिया जा रहा था जिसका इंतकाल हो चुका था और उसको गुसल दिया जा रहा था और गुसल देते देते जो औरत दे रही थी उस औरत ने उसको यूं थप्पड़ मार कर कहा नालायक नाला थी गलत काम करती थी बस ये बोलना था कि यह एक इल्जाम था यह एक बहुत बड़ा गुनाह था जो हकीकत में उसने नहीं किया था जो उस पर इल्जाम रखा गया था उसका हाथ चिपक गया गुसल देने वाली का उस मरहुमा की बोदी के साथ यह बिल्कुल सही वाकया जिसको जहाबी ने लिखा है कि उसका हाथ चिपक गया अब बहुत सारे लोगों को बुलाया गया क्या इलाज कोई कह रहा है हाथ काट दो कोई कहता है इतना बदन काट दो मरहुमा का कोई रास्ता हल नहीं हो रहा है इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि से जब सवाल हुआ हजरत ने फरमाया न हाथ काटने की जरूरत न इस बॉडी को काटने की जरूरत कुछ नहीं इस औरत को मेरे सामने पर्दे में लाओ जब पर्दे में सामने इमाम मालिक को किया गया उससे पूछा तूने इसके बारे में कोई इसको यूं मारा इसी पर मेरा हाथ चिपक गया फरमाया हाथ काटने की जरूरत नहीं इल्जाम की जो सजा है शरीयत ने रखी है अस्सी कोरे वो इसको मारो अभी हाथ अलग हो जाएगा इसलिए कि अल्लाह को इसका इल्जाम पसंद नहीं आया इसीलिए कुरान कहता है ए लोगो, तुम किसी पर इल्जाम तुम किसी पर इल्जाम इल्जाम रखो रखो तुम किसी किसी के को बदनाम न करो आज व्हाट्सएप की जो दुनिया है उसमें ये उसको बदनाम कर रहा है वो इसको बदनाम कर रहा है ये इसके खिलाफ लिख रहा है वो इसके खिलाफ लिख रहा है कुरान कहता है इन जा

कोई कदम उठा लोगे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी तुम्हें नदामत उठानी पड़ेगी तुमने उसके साथ इसीलिए मेरे आका साल वसलम ने इतनी प्यारी नसीहत फरमाई इतनी प्यारी नसीहत फरमाई सुनो वो नसीहत तिर्मिذی शरीफ की रिवायत है अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फरमाया किसी दोस्त के साथ इतनी दोस्ती कर किसी दोस्त के साथ इतनी दोस्ती कर कि सारी राज की बातें न कह दे किसी दोस्त के साथ इतनी दोस्ती कर अहबब हबीबका हउनम्मा मैं अरबी में हदीस पर कर आपको सुनाऊं जो इमाम ने नकल फरमाया, अपने दोस्त से इतनी दुश्मनी का, इतनी दोस्त की कर कि सारी राज की बातें और सारी प्राइवेट जिंदगी उसको न बता दे कल को तेरा दुश्मन बनेगा तुझे पछताना पड़ेगा कितनी बेहतरीन नसीहत है कितनी बेहतरीन नसीहत आज हम मोहब्बत में सब कुछ कह देते हैं दोस्ती में सब कुछ बता देते हैं जब कल को वो दुश्मन बन जाता है तो वो कहता है तेरा वीक पॉइंट मेरे पास है अब मैं भी तुझे देखता हूं कैसे जलील करता हूं तुझे रोड पर ले आता हूं तेरी इज्जत के धजिए उड़ा देता हूं फरमाया अहबिब हबीबका हौनम्मा असा अय्यकून बगीज़क यौमम्मा किसी दोस्त से इतनी दोस्ती करना कि सारी राज की बातें सारी प्राइवेट जिंदगी उसके सामने बयान न कर देना कल को तेरा दुश्मन बनेगा तुझे पछताना पड़ेगा वबगिज वगीज का यौ मम्मा असा अय्यकून हबीब का यौ मम्मा और अपने दुश्मन से इतनी भी दुश्मनी न करना इतनी भी दुश्मनी न करना कि सारी राज की बात सारी ही दुश्मनियां निकाल दे उसके खिलाफ उसकी बदनामी उसकी जिल्लतियां उसके खिलाफ प्रोपेगंडे, उसको वॉट्स पर बदनामी उसको कोर्ट कचेरी के दीवारों पर चढ़ा दिया उसके खिलाफ मालूम क्या क्या कर ली इतनी भी दुश्मनी न करना कल को ईद के दिन मुसाफा करने आएगा तुझे पछताना पड़ेगा दोस्ती भी हद में रहकर, दुश्मनी भी हद में रहकर कितनी प्यारी मेरे आका वसल्लम को नसीहत फरमाते इसीलिए किसी ने अबू हुरैरा से सवाल फरमाया कि तुम्हारे नबी तुम्हें छोटी-छोटी बातें भी बताते हैं छोटी-छोटी फरमाया हमारा नबी तो वॉशरूम में जाकर बैठने का तरीका भी बताता है और हमें फख्र है इस पर हमें फख्र है कि हमारा नबी हमें बैठने का तरीका बता रहा है और वो यूं कह रहा है कि जब तुम वॉशरूम जाओगे तो कैसे बैठोगे तुम्हारा बैठने का तरीका क्या होगा तुम्हें आसानी से इस्तिंजा हो जाए उसका क्या तरीक होगा फरमाया हमारे आका ने तो हमको यह भी बताया हमारे नबी ने तो हमको ये भी बताया एक सूज न चलो दूसरा सूज निकाल कर न चलो क्यों हलाल और हराम का मसला अगर इस तरह चलेंगे तो क्या हो गया फरमाया नहीं हलाल हराम का मसला नहीं है अगर एक सूज पहन कर चला दूसरा निकाल दिया कोई अर्ज नहीं हलाल हराम नहीं है लेकिन मेरे उम्मती ऊंच नीच हो जाएगा ऊपर नीचे हो जाएगा तो गिर जाएगा मेरी उम्मती का गिरना भी मेरे नबी को बर्दाश्त नहीं शरीफ में है अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बड़ा मशक उठाकर बड़ा मशकीजा उठाकर बड़ा मटका उठाकर आजकल कह लो बड़ी बोतल उठाकर जो दस लीटर की बोतल आती है जो पांच लीटर की बोतल आती है फरमाया इतनी बड़ी बोतल उठाकर पानी ना पियो एक गिलास में लेकर पानी पियो एक बर्तन में लेकर पानी पियो अल्लाह के हबीब अगर मैंने बोतल उठा ली तो क्या मैंने कोई जुर्म कर लिया कोई गुनाह कर लिया नबी कहता है जुर्म नहीं गुना नहीं गुनाह मैं तुझे इसलिए रोक रहा हूं कि तू बोतल उठाई पीने गया कंट्रोल न रहा तेरे कपड़े खराब हो जाएंगे और अगर जोर से गया तेरे हार्ट को नुकसान होगा तेरा हबीब अपने उम्मती की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता यह है आका वसल्लम की मुबारक जिंदगी मैंने आज जुमा में एक बात कही मेरे भाइयों मेरे को पढ़ो आंखों से आंसू आ जाएंगे एक रात का वाकया अल्लाह के हबीब का मां आयशा सिद्दी का रदी अल्लाह साथ चारपाई पर लेते हुए और कभी यूं करवत कभी यूं करवत कभी यूं करवत फिर करवट बदलते हैं यहाँ तक के रात का एक हिस्सा गुजर गया तो हजरत ने चारपाई की जो लकड़ी थी उस लकड़ी के साथ अपने पेट को यूं जोर से दबाया और यूँ अपने पांव नीचे लटका दिए एकदम से बेदार हो गए हो मेरे आका क्या कोई तकलीफ है आपको आप ऐसा क्यों कर रहे हैं आपने अपने पेट को इस तरह क्यों दबाया अल्लाह के हबीब की आंखों से आंसू थे और आकाश ने जुमला फरमाया आयशा भूख की वजह से परेशान भूख की वजह से भूख की वजह से मैं परेशान सिद्धि का फरमाती है अल्लाह के नबी आप दुआ कर दो आपके लिए खाना उतर जाएगा आप क्यों नहीं मांग रहे उस रब से फरमाया आयशा मैं चाहता हूं कि मैं भूखा रहूं मेरी भूख से मेरी उम्मत के गरीबों को सब्र का सबको मेरे भूख से मेरी उम्मत के गरीबों को सब्र का सबक मिलेगा मेरे भाइयों ये हुजूर पाक सल्ला मैंने आज जुमा में कहा मैंने कहा मैं अफ्रीका के जंगलों के गरीबों को भी देख कर आया हूँ मेरी इन आंखों ने मलावी के गरीबों को भी देखा मेरी इन आंखों ने जाम्बिया के गरीबों को भी देखा मेरी इन आंखों ने बिहार बंगाल और आसाम के गरीबों को भी देखा और मेरी इन आंखों ने बहुत सारे गरीबों को देखा लेकिन ऐसा गरीब कहीं नहीं देखा कि जिसके घर में दो महीने तक चूल्हे न जले हो गरीब नहीं देखा। स्था 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 कि जिसके में दो महीने शरीफ की रिवायत है सिद्धि का फरमाती है अपने भांचे को अपने हालात नकल करते हुए ऐशा फरमाती है भंजे में तुझे क्या बताऊं मेरे नबी के साथ मेरी जिंदगी गुजरी फरमाया दो दो महीने गुजर जाते थे हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था मेरे भाइयों अपनी पिछली जिंदगी न भूलो अपनी पिछली जिंदगी न भूलो ने लिखा है इमाम गजाली ने लिखा है जो इंसान अपनी पिछली जिंदगी को भूल जाता है उसको शुक्र की तोफीक नहीं होती जिस गरीबी में हम बड़े हुए जिन हालात में हम बड़े हुए और जिस गरीबी में हमारे मां-बाप ने हमें परवान चढ़ाया और जिन हालात में मेरे आका खुद अपनी पिछली जिंदगी को याद फरमाते हैं हजरत सहाबा के साथ मदीने के जंगल में निकले बुखारी शरीफ में हैं मदीने के जंगल में निकले तो ये पीलू का जो दरख्त होता है पीलू जिसका मिसवाक करते हैं। उसके फल तोड़ने लगे तो अल्लाह के नबी ने बिल भाई काले काले तोड़ना इसलिए कि सुर्ख जो होते हैं लाल जो होते हैं वो खत्ते लगते है काले लेना वो मीते हुआ करते साहबा ने कहा यार रसूल अल्लाह ये तो वो जानता है जिसने बकरिया चराई हो उसको ये सब जंगल की बातों का इल्म होता है क्या आपने बकरियां चराई अल्लाह का नबी कह रहा है हाँ, तुम्हारे इस नबी ने अयाम में मालदारों की चंद पैसों के ऊपर बकरियां चराई है नबी अपनी पिछली जिंदगी को नहीं भूले जो इंसान अपनी पिछली जिंदगी को भूल जाता है जो अपनी गरीबी को भूल जाता है जो अपने हालात को भूल जाता है उसको शुक्र की तोफीक नहीं होती आज कुछ हमारा मिजाज ऐसा ही बन बन गया, गया। आज कुछ हमारा मिजाज ऐसा ही बन गया। हम अपने माँ बाप की गुर्बत को भूल गए हम अपनी गुर्बत को भूल गए हम अपने दादा परदादा की गुर्बत को भूल गए कि किन हालात में हम बड़े हुए और हमारा वो शुक्राना का मिजाज जो शुक्र अदा करने का वो खत्म हो गया मायशा फरमाती है भांजे में तुझे क्या बताऊं हमारे घर में दो दो महीने हो जाते थे चूल्हा नहीं जलता था तो भांजा पूछ रहा है उर्वा अलैह फिर खाला जाना याम कैसे तुम्हारे गुजरते थे फरमाया पानी और खजूर पानी और खजूर क्या हमने खजूर से कभी पेट भरा है हम एक दाना खाते हम दो खा लेते हम तीन खाते हम चार खाते फिर कहते बस हो गया ये कोई खाने की चीज थोड़े ही है हम क्या कहते ये कोई खाने की चीज थोड़े ही है और हमारे नबी अलैहि सलातो ने इस आलम में दो दो महीने गुजारे कि आपने पानी और खजूर के ऊपर गुजरान कर लिया और दो महीने गुजर गए हालांकि आपके रब ने आपको यूं कहा था सही तरीन रिवायत में मेरे पैगंबर अगर आप कहें तो वह पहाड़ को मैं सोना बना दूं लेकिन नबी ने कहा मुझे नहीं चाहिए और अगर तूने मुझको दिया भी मेरे मौला अगर तूने मुझको दिया तो रिवायतों में है जो इमाम बुखारी और मुस्लिम ने नकल फरमाई आका ने फरमाया अगर तूने मुझको दिया भी तो तीन दिन नहीं गुजरेंगे कि मैं इस सोने को तकसीम कर दूंगा ये वो नबी है कि जिसको ये कहा गया कि हम आपके लिए वो पहाड़ को सोना बना दे आपने फरमाया ना ना मुझे नहीं चाहिए मैं एक दिन खाऊं ताकि शुक्र अदा करूं और मैं एक दिन भूखा रहूं ताकि सब्र करूं अल्लाह का मेरे भाइयों क्या वाकई आपको खंदक का याद नहीं है आसान है सीरत का बयान करना आसान है आसान है अमल करना बहुत मुश्किल है अब बयान कर देना बहुत आसान है क्या वो खाक याद नहीं कि जहां का नबी अंदर लेकर उतरा है मारने के लिए और कपड़ा जो हता है तो छोड़कर साहबा है। है को छोड़कर आज मेरा आपका मिजाज क्या हो गया फख्र गुरूर तकबुर तिरवाना दौलत के ऊपर नास फخر करना अल्लाह के शुक्र छूट गए अल्लाह का सब्र छूट गया नमाजें छूट गई अल्लाह की यादें छूट गई कितने हमारे जवान हैं कि जिनकी आंखें तब खुलती है जब आफताब तुलु हो चुका होता है कितनी हमारी बेटियां हैं कि जिनकी आंखें तब खुलती है जब आफताब तुलु हो चुका होता है रिवायतों में है सहाए सिता की रिवायत जब सुबह होती है तो सुनो कितना खतरनाक मसला हमारे साथ हुआ करता है कितना खतरनाक मसला हमारे साथ होता है हदीस शरीफ में आता है सुबह का जब वक्त होता है तो शैतान हमारी नाक पर बैठ जाता है और नाक पर बैठकर एक मंत्र पढ़ता है अलैका लैलुन तवील अलैका लैलुन तवील रात लंबी है सो जा रात लंबी है सो जा फिर उसके सर पर गराह लगाता है एक दो तीन तीन गिरह लगाता है और फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर अजान हुई और अजान होते ही तुम अल्लाह का नाम लेकर खड़े हो गए एक गिरा खुल गई तुमने वजू कर लिया दूसरी गिरा खुल गई और तुम नमाज के लिए खड़े हो गए तीसरी गिरा खुल गई तुम बिल्कुल नशात के साथ चुस्ती के साथ सुबह हो जाओ और अगर तुम नहीं उठे नमाज के लिए तो हजूर पाक शासन फरमाते हैं इन तीन गिरोहों के बाद खतरनाक उसकी सजा हम पर क्या होती है अल्लाह का नबी फरमाता है हमारे इस कान में हमारे नाक में चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो वो पेशाब करता है वो पेशाब करता है ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम फरमान है कुत्ता मुझ पर पेशाब कर दे मैं गंदगी समझ लेता हूँ बिल्ली मुझ पर पेशाब कर दे मैं गंदगी समझता हूँ ये, ये वो बातें हैं जो नबी करीम वसल्लम ने फरमाई इसीलिए कुरान में कहा गयाो तुम नमाज पढ़ो मेरे जिक्र तुम नमाज पढ़ो ये नमाज ये नमाज अगले अंबिया के तरीके हैं याद रखो अगले अंबिया को ये नमाजें मिली थी ईशा की नमाज सबसे पहले किसने पढ़ी हजरत आदम वसलाम ने सबसे पहले ईशा की नमाज पढ़ी इसलिए कि इनकी तोबा इस वक्त कबूल हुई थी जो रात का वक्त है इस वक्त इनकी तोबा कबूल हुई चालीस साल तक रोते रहे रबना जलमना अनफुना

और मकाम भी मकाम में जन्नत है जिससे ऊंचा कोई मकाम नहीं हो सकता जन्नत ऊंचा मकाम है आदम अल्लाह का नबी है हव्वा पाक दामन औरत है लेकिन अल्लाह की एक नहीं मानी और जिस चीज से मना किया था उसको खा लिया तो नतीजा क्या हुआ अल्लाह ने उसी वक्त कपड़े उतार दिए फतफका यख्सफा अलैहिमा मिवरतिल जन्ना अपने बदन पर वहां जो दरख्त थे उन दरख्तों के पत्तों को तोड़ तोड़ कर अपने बदन पर छुपाने लगे ताकि सतर छुप जाए सतर को छुपाने के लिए दरख्त के पत्ते चिपकाने लगे सुनो इमाम गजाली इस वाक्य को नकल करने के बाद मेरे भाई भी सुने मेरी माए भी सुने इमाम गजाली फरमाते हैं जो अल्लाह जन्नत जैसी जन्नत के अंदर आदम जैसी मुकदस शख्सियत को एक बात के न मानने पर कपड़े उतार देता है दुनिया में रहने वाले इंसान जब तू गुनाह करता है अल्लाह कादिर है कि तेरे भी कपड़े उतार कर तुझे रोर पर नंगा करके पेश कर दे लेकिन मेरे नबी की दुआएं हैं कि अल्लाह हमारे कपड़े नहीं उतार रहा है अल्लाह हमारे कपड़े नहीं उतार रहा है वरना जयीफ ही हो गई बदनजरी के गुनाह में हम मुब्तला है बुरा आ गया इन निगाहों से हम गुनाह करते जा रहे हैं बुरा पा आ गया अंदर के गंदे से अभी तक मैंने अपने आप को पाक नहीं किया जिंदगी का एक लम्हा में गुजार चुका लेकिन हजूर की सुन्नतें अभी तक मेरी जिंदगी में नहीं आई वो नमाज मुझे नहीं मिली जो आका ने मुझे बताई वो वजू मुझे नहीं मिला जो नबी ने मुझको बताया वो रोजा मुझे नसीब नहीं हुआ जो नबी ने मुझको बताया वो zakat मैंने नहीं दी जो नबी ने मुझको बताया मेरी zakat में लिल्लाहियत नहीं बल्कि रियाकारी है मेरी नमाज में रियाकारी है मेरे चीजों में रियाकारी है मेरे गुनाहों के नतीजे में मेरा रब मेरे कपड़े भी उतार सकता है मैं जब तन्हाइयों में बैठता हूं तो मोबाइल को उठा करके फिल्मों को शुरू करता हूँ चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो और गंदी तस्वीरों को देखते जा रहे हैं। और देखता है है? कौन मुझे देख रहा है। अल्लाह है कुरान में कह रहा है और मेरे बंदे दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं देख रही है लेकिन आसमानों में बैठने वाला रब जरूर तुझे देख रहा है वो अगजा अजीज ही है न फरमाते मुक्तदिर उसको कहते हैं जिसकी पकड़ में कोई आ जाए तो छूट नहीं सकता उसको मुक्तदिर जात कहा जाता है तो मेरे भाइयों जो आदम और हम के कपड़े उतार सकता है वो मोहम्मद और कासिम वो जैद और बकर वो खालिद और, वो अस्मा और फातिमा वो रुकिया और जरीना इनके भी कपड़े उतार सकता है लेकिन हमारे नबी की दुआएं हैं कि वो हमारे गुनाहों के बावजूद हमारे कपड़ों को नहीं उतार रहा है हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को मोहम्मद अलैहि वसल्लम के तरीक पर लाएं दुनिया में आदम और हवा को उतारा गया चालीस साल रोते रहे। इशा का वक्त था, रात का अंधेरा था, अल्लाह ने फरमाया, जाओ तुम्हारी तोबा कबूल हो गई और जब तोबा कबूल हुई, तो आदम ने नमाज अदा की रात के अंधेरे में जिसको ईशा की नमाज कही गई हजरत नूह की कश्ती चली है पानी में फलत में और चलती रही चलती रही यहाँ तक के पानी उतरता चला गया और अब शाहू ने आपकी कश्ती को किनारे पर लगा दिया और जो आपके साथ मुसलमान थे उनको बचा लिया और बागियों को खत्म कर दिया आपकी कश्ती सही सलामत जब एक जगह पर पहुंच गई जूदी पहाड़ के ऊपर जिसको कुरान ने बारवे पारे में नकल फरमाया जब वहां पहुंच गए आफियत के साथ सलामती के साथ तो हजरत नूह ने अपनी कौम को मानने वालों को उतारा ये सुबह का वक्त था हजरत नूह ने सुबह में नमाज अदा फरमाई जिसको फजर कही गई अय्यूब सला पर बीमारियां आई हालात आए और सख्त तरीन बीमारी आई और ऐसी बीमारी कि कोई टच भी नहीं करता था कोई हाथ भी नहीं लगाता था इस बीमारी में आपकी बीवी ने आपकी खिदमत की और वो खिदमत की आपकी वो खिदमत की कि दुनिया ने अयुब को हटाया लेकिन इस जयफ इस बीमार इस कमजोर अपने शोहर को बीवी ने अपने सीने से लगा करके उनकी भरपूर खिदमत की जिस वक्त दोपहर में अल्लाह की तरफ से पानी बरसा जमीन से पानी निकला आपको कहा गया इससे आपने शुक्राने में जो नमाज अदा फरमाई इसे जहर कहा जाता है याकूब सलात वाम याकूब जब नाबीना ना हो गए हजरत यूसुफ अलात वाम की जुदाई में रोते रोते नाबीना ना हो गए और उधर यूसुफ ने अपना कुर्ता भेजा करीम में कह रहे हैं कमी सी हादा। अला अभी याति बसीरा। मेरा कुर्ता ले जाओ अल्लाह इसकी बरकत से मेरे बाप की बिनाई को दे देगा मिस्र से कुर्ता आया और आंखों पर चेहरे पर कुर्ता डाला गया और बीनाई लौट आई वो शाम का वक्त था आपने शुक्रने में नमाज अदा फरमाई

कह लगी अल्लाह मुझे शर सदर कर दे एल्ला मेरी जबान की लुकनत को तू दूर कर दे ताकि लोग मेरी बातों को समझ सके मेरी लुकनत के साथ कोई समझ नहीं सकता तो उस वक्त दुआ फरमाई ऐ मेरे रब मेरे भाई हारून की जबान हुआ अब साहो हु मिन्नी उसकी जबान बहुत साफ सुथरी है वो बहुत अच्छा बोलने वाले हैं मेरी नबूबत के काम में उसकी भी जरूरत है अल्लाह मेरे भाई हारून को भी तो नुब्वत दे दे अल्लाह ने दुआ को कबूल फरमाया और हारून को जब हारबत मिली है तो मगरिब का वक्त था हारून की नुब्वत के शुक्राने में हजरत मूसा ने जिस नमाज को पढ़ा ये मगरिब की नमाज थी तो ईशा आदम की नमाज फजर नूह की नमाज जोहर अय्यूब की नमाज असर असर जो है हजरत याकूब की नमाज मगरिब जो है वो हजरत की, नमा, की नमाजे जब, जब दुनिया में तशरीफ लाए और आपको जब नुब्बत मिली तो नुब्बत मिलने के बाद आपको दो नमाजे सबसे पहले दी गई रिवायतों में है सबसे पहले आपको दो नमाजे दी गई एक फजर की नमाज में पाक तो मिली और कुरान ने इन दोनों नमाजों का खूब तस्करा फरमाया फजर की नमाज असर की नमाज साहबा अपने नबी को पूछ रहे हैं अल्लाह के हबीब कयामत में अल्लाह को देखने में भीड़ भार तो नहीं होगी तो नहीं होगा तो तो नहीं होगा। यहां दस हजार का मजमा होता है, तो बीच वाले को हम देख नहीं पाते वहां इतना बड़ा मजमा अरबों खरबों का अपने रब को कैसे देखेंगे तो अल्लाह के नबी ने एक एग्जाम्पल दिया एक मिसाल दी और मिसाल देकर समझाया फरमाया तुम अपने घरों से बैठकर ये सन और आफताब जो है उसको देखते हो या नहीं उसके लिए कोई इस्तेहाम होता है कोई भीड़ होती है ये चांद जो तुलु हुआ रात में अपने घरों में बैठकर देखते हो या नहीं फरमाया जी या रसूल अल्लाह जैसे तुम अपने घर में बैठकर इस आफताब को देख लेते हो इस चांद को देख लेते हो इसी तरह कयामत के दिन हर जन्नती अपनी जन्नत के मकान में बैठ कर अपने अल्लाह को देख लेगा फरमाया आगे हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तुम अल्लाह की जियारत चाहते हो अल्लाह का दीदार चाहते हो तो दो नमाजों की पाबंदी करो फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका कबल तुलू शम्स व कबल अल दो नमाजों की पाबंदी करो अल्लाह तुम्हें अपनी जियारत नसीब करेगा फजर की नमाज असर की नमाज फजर की नमाज असर की नमाज और फजर में इसीलिए लंबी किरात को रखा गया लंबी किरात क्यों दिन की इब्तिदा हो रही है तो इब्तिदा में थोड़ा सा अल्लाह का कुरान ज्यादा सुन लो ताकि तुम्हारा दिन अच्छा गुजर जाए इन कुरान अल फजरी कान मशहूदा फरमाया फजर का कुरान जो है ना वो दिलों पर फिट हो जाता है दिलों पर नक्श हो जाता है रात भर के सोए हैं थकावट दूर हो गई दिल में ख़यालात फजर में नहीं होते हैं तो कुरान की बातें दिल में उतरती चली जाती है लेकिन अफसोस सद अफसोस कि हम अजमी ऐसे ठहरे कि हमने दुनिया को समझा अगर नहीं समझा तो अपने कुरान ही को नहीं समझा मैं पचपन साल का हो गया कोई सात साल का कोई पैंसठ साल का कोई सेवनती कोई एटी साल के हो गए अभी पूछा जाए कि आप बताइए में क्या कहा जाता है अलम में क्या कहा गया व तीन में क्या कहा गया अल्लाह को तकास में क्या कहा गया में क्या कहा गया तरक् क्यों उतरी हमें अगर पूछा जाए हमें कुछ भी पता नहीं है यही वजह है कि आज हमें नमाजों में मजा भी नहीं आता यही वजह है कि हमें नमाजों में वो लज्जत भी नहीं आ रही है मेरे भाइयों में आपसे गुजारिश करता हूं मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप अपने इन अईम कराम से इन अलमाय कराम से दरख्वास्त करो इनकी खुशामदे करो कि हमें कुरान सिखाओ हमें कुरान समझाओ हमारा कुरान हमको क्या कहता है हमारा अल्लाह हमको क्या कह रहा है हमारे अल्लाह ने इस कुरान में मोहब्बताना अंदाज में हमें क्या बातें बयान फरमाए फरमाएं इना से कहो कि हमें कुरान समझाओ और मैंने जगह जगह एक बात कही तुमसे भी कहता हूँ अहल इल्म की कदर करो अलमा की कदर करो इसलिए कि आपके बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी असल पेरेंट्स की है माँ बाप की है औलाद की तरबियत की जिम्मेदारी ये माँ बाप की है लेकिन माँ बाप सुबह से शाम तक कमाने में पड़े हुए हैं बाप भी उधर माँ भी उधर दोनों जॉब पे गए हुए हैं ये हमारा बच्चा सुबह स्कूल गया ब्रेन वॉश होकर के आया और ऐसा ब्रेन वॉश होकर के आया कि उसके दिल में एक शक पैदा हो गया कि अल्लाह है भी या नहीं अल्लाह है भी या नहीं ये शक पैदा हो गया इसको ये शक पैदा हो गया मरने के बाद अजाब कब्र हक है या नहीं ये शुकूक वाली जिंदगी लेकर आया ये मदरसे में दो घंटे आया इस दो घंटे में उस्ताद ने अपने एतबार से मेहनत की और मेहनत करके उसके जहन को साफ किया उसमें अल्लाह बिठाया उसमें नबी बिठाया उसमें माँ बाप का अदब बिठाया उसमें मस्जिद का अदब बिठाया उसमें कुरानी तालीमात को बिठाया उसमें नबवी मोहब्बत को बिठाया तो मेरे भाइयों जिना ने हमारे बच्चों की जिंदगी को बनाया वो हमारे मोहसिन हुए या नहीं हुए यकीन हमारे मोहसिन है लेकिन हमारे माशरे में हमारी सोसाइटी में हमारे समाज में मुझे माफ फरमाए मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि मैं हूँ इसलिए नहीं मैं अमूमी तौर पर सिर्फ यहाँ नहीं पूरी दुनिया में मैं कई मुल्कों का दौरा करके आया हूँ सिर्फ एक जगह नहीं दुनिया के कोने कोने पर मैं जाकर के आया हूं अमूमी तौर पर हमने देखा सबसे ज्यादा चिप और सबसे ज्यादा सस्ता और सबसे ज्यादा कम वक़ात और सबसे ज्यादा कम इज्जत अगर माशरे में कोई है तो मुसलमानों का इमाम है मुसलमानों का आलिम है जिसकी कोई वकात नहीं मुझे अफसोस है कि जब हम उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो हम यूं कहते हैं ए अल्लाह मैं चार रकात ईशा की पढ़ रहा हूं इस इमाम के पीछे यानी मैं इसका मुक्तदी हूं ये मेरा मुक्तदा है मुक्तदा का मतलब क्या ये मेरा पेशवा है ये मेरा रहबर है ये मेरा इमाम है जिसको मैंने अपनी नमाज में रहबर कहा और ऐसा रहबर कि उसके सस्ते से पहले मैं उठ नहीं सकता उसके रुको से पहले मैं उठ नहीं सकता उसके रुको में जाने से पहले मैं जा नहीं सकता इतनी हमारे जिम्मे है जिसको मैंने नमाज में इमाम कहा आज हाल क्या हो गया यहां तो मैंने इमाम बनाया दरवाजे पर जाकर हम उस पर तंज करके कहते हैं यहां इमाम था वहां गुलाम है मेरा हमने इसको गुलामी की नजर से देखा है याद रखो मेरे भाइयों ऐसा ना करो अहले इल्म की जितनी वक़ात तो होगी हमारे बच्चों में दीन जिंदा होगा और जब दीन जिंदा होगा तो इन हम कबर में होंगे हमारी औलाद भी इन मस्जिदों को आबाद करने वाली होगी हमारी औलाद भी दीनदार होगी नमाज वाली होगी तकवा वाली होगी ईमान वाली होगी मेरे भाइयों सुनो हजरत हसन बसरी इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ किताबो तफसीर में नकल फरमाया किसी ने पूछा आ, ए अल्लाह मेरी, मेरी, मेरी आंखों की ठंडक बना देरत आयुन आंखों की ठंडक बना दे तो हसन बसनी से किसी ने पूछा कि की आंखों की ठंडक कैसे होती है कैसे आंखों की ठंडक होती है हसन बसरी का जवाब सुनो जो इमाम बुखारी ने नकल फरमाया हसन बसरी रहमत फरमाया माँ बाप के सामने पेरेंट्स के सामने औलाद सजदा करने वाली बन जाए दीनदार बन जाए औलाद नमाज पढ़ने वाली बन जाए औलाद कुरान पढ़ने वाली बन जाए उसको कहा जाता है मैंने में एक किताब लेकर बैठा हुआ था तो एक अजीब गरीब बात मैंने किताब में देखी मेरा जी खुश हो गया मैंने कहा कितनी अच्छी बात है उसमें लिखा हुआ है कि जब के पास दुनिया की कसरत हो जाती है यानी दुनिया बहुत हो जाती है तो माँ बाप नाराज ना हो जाए वरना घर से निकाल देगा खाना बंद कर देगा मेरे पैसे नहीं देगा औलाद के पास जब दुनिया ज्यादा होती है तो माँ बाप डरते हैं और औलाद के पास जब दीन ज्यादा हो जाता है तो औलाद खुद डरने वाली हो जाती है अपने करीम से, अपने अल्लाह से डरने वाली हो जाती है कि मेरा देख रहा है। तो मेरे भाई कुरत आयुन कुरत आयुन का मतलब क्या है हमारी औलाद हमारी आंखों के सामने दीनदार हो जाए तकवे वाली हो जाए नमाजी हो जाए इसको कहा जाता है कुरत आयुन और सुनो एक बात अल्लाह जब किसी बंदे से उसके गुनाहों की नहुसत से नाराज हो जाता है गुनाहों की नहुसत से जब नाराज हो जाता है अल्लाह और बंदा जब तौबा नहीं करता तो अल्लाह रोती नहीं छीनता ना ना रोती नहीं छीनता याद रखना तुम्हारी रोती नहीं लेता वो चाहे वो हीरोइन बेचने वाला हो चाहे वो ड्रग्स के कारोबार में हो चाहे वो कसीनों में जाने वाला हो चाहे वो जिना के अड्डों पर जाने वाला हो चाहे वो शादी हो जाने के बावजूद जिना के दरवाजों पर दौड़ रहा हो अल्लाह रोती नहीं छीनता अल्लाह जब नाराज हो जाता है सजदों की तोफीक छीन लेता है सजदों की तोफीक छीन लेता है फिर उसको नमाजों में लज्जत नहीं आती फिर उसको कुरान में लज्जत नहीं आती फिर उसको दीन में लज्जत नहीं आती फिर उसको अल्लाह के घर में आने में लज्जत नहीं आती

में ए लोगो करो। बहुत माफ करने वाला है। क्या अता करेगा तोबा के नतीजे में बारिश अता करेगा तुम्हारी खेतियां आबाद होगी वही और तुम अगर बे औलाद हो तो औलाद अता करेगा और बेरोजी हो तो रोजी अता करेगा

इतनी बड़ी शख्सियत लगा अब जो पिलाते हैं निकल जाता है यकीन हो गया दुनिया से जाने का वक्त आ चुका आपने दो दुआ फरमाई ए अल्लाह मुझे के शहर में मौत देना। हो दुआ फरमाय अल्लाह मुझे शहादत की मौत देना कबूल हो गई और तीसरा अल्लाह ने फैजान फरमाया अपनी तरफ से नबी के कदमों में सोना नसीब हुआ ये अल्लाह ने अता फरमाया ये उमर एक, एक, एक आदमी के के लिए लिए आया आया बिल्कुल जवान आपकी बीमार पुरसी के लिए आया। और हजरत की बड़ी तारीफ की तो हजरत रोने लगे और यूं फरमाया मेरे भतीजे मेरी तारीफ न कर मेरी तारीफ न कर मेरी तारीफ न कर लाली वाला अल्लाह मुझे मेरी नेकियों का बदला न दे तो न दे कम से कम वो मेरी पकड़ न करे मेरी पकड़ मेरी पकड़ न करे वो इतना डर रहा है वो सहाबी अपने रब से अल्लाह मेरी पकड़ न करे और फिर क्या किया आपने फिर अपना चेहरा जो है वो ज़मीन ज़मीन पर यूं जमीन पर रख रखा मिट्टी पर मिट्टी पर और मिट्टी पर रगड़ कर यूं अपने चेहरे को रगड़ने लगे और झुमला बोलने लगे वह हा उमर वह हा उमर इम उमर तू हलाक हो गया अगर उसने तुझको माफ नहीं किया उमर तू हलाक हो गया अगर उसने तुझको माफ नहीं किया। उमर तू हलाक हो गया उसने मिट्टी पर रगर कर अपने आप को। उमर तू हलाक हो गया अगर उसने तुझको माफ नहीं किया रो रहे रो रहे और ये झुमला बोलते जा रहे कौन है ये शख्सियत कौन है ये शख्सियत ये वो शख्सियत है के एक मरतबा अल्लाह के नबी मस्जिद में बैठे हुए थे इसी तरह उठेंगे ये दोनों कौन है नबी ने फरमाया मेरे दोनों वजीर है दुनिया के और मेरी आखिरत के वजीर जिबली ये दोनों कौन ये उमर कौन है नबी ने नबी उमर। मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। ये उमर वो जात है नबी महराज तो कुरेशी का मकान है मेरा है फरमाया न आपका तो आगे है ये तो आपके उमर का है जिसका मकान नबी ने महराज में देखा जिसको कहा मेरे बात नबुबत होती तो उमर बनता और अपने सीने से लगाया अरफात के मैदान में नबी ने फरमाया मेरे सारे सहाबा से मेरा अल्लाह खुश हो गया और मेरे उमर से तो बहुत खुश हुआ ये वो उमर है इतना बड़ा मकाम होते हुए इतना बड़ा मकाम होते हुए और रिवायतों में है कि जब तदफीन हो गई हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में तो उसके बाद अब्दुल्ला अब्बास कहते हैं कि किसी ने मेरे पुष्ट पर यू हाथ रखा पीछे से मैंने मुर कर देखा तो वो अली थे अली ने फरमाया मुझे यकीन था कि ये जगह उमर ही को नसीब होगी क्यों इसलिए कि मैंने हजारों मरतबा सुना दखल तो अन व उमर जहाब तो अन व उमर खरज तो मैं निकला मैं दाखिल हुआ मेरा अबू बकर दाखिल हुआ मेरा उमर दाखिल हुआ नबी की जबानों पर हजारों मरतबा उमर तेरा तस्करा था मुझे यकीन हो गया कि तुम कबर में भी साथ ही दफन होने वाले इतने ऊंचे मकाम वाला इतने ऊंचे मकाम वाला और उसका आलम यह है उसका आलम कि वो मिट्टी पर अपना चेहरा डाल कर रो रहा है और कह रहा है वैहा, उमर, उमर तेरा बुरा हुआ अगर अल्लाह ने तुझको माफ नहीं फरमाया मेरे भाइयों वो हजारों नेकियों के बावजूद डरते थे हम हजारों गुनाहों के बावजूद नहीं डर रहे हम मासी के बावजूद नहीं डर रहे हम गुनाहों के बावजूद नहीं डर रहे हम नमाजों को छोड़ कर भी नहीं डर रहे हम दीन की बगावत के बावजूद नहीं डर रहे हम अपने आप को अल्लाह के खिलाफ और मोहम्मद वसल्लम की मुबारक शरीयत के खिलाफ करते हुए भी हमें बिल्कुल डर नहीं लग रहा है हम कबर भूले हम हशर भूले हम आखिरत भूले हम गुसल के मनाजिल भूले क्या हमें वो मालूम नहीं है कि एक वक्त मेरा भी आएगा कि मेरी नाक में रुई ठोस दी जाएगी मेरे कानों में रुई थोस दी जाएगी और जिधर मुझे घुमाएगा मुझे उधर घूमना होगा मैं बेबसी के नबी फरमाते हैं तेरा माल तेरे बिस्तर तक है और तेरे रिश्तेदार तेरी कबर तक है उससे आगे नहीं और उससे आगे उससे आगे तेरे अमाल है नबी ने फरमाया जो कबर में तेरे साथ चलेगा उससे यारी कर ले तूने उन लोगों से यारी की है जो कबर में तुझे रख कर सबसे पहले भागने की कोशिश करते हैं कि कौन पहले गाड़ी में बैठ करके निकल जाए दफन हो गया चलो चलो यहां से आज तो औलाद भी चंद दिन में अपने माँ बाप को भूल जाती नबी फरमाते हैं उन आमाल पर भरोसा उन आमाल से यारी कर उन आमाल से दोस्ती कर जो आमाल तेरे कबर में आने वाले हैं मुझे एक रिवायत बहुत वक्त के बाद याद आई जब बंदे को कबर में रखा जाता है फरिश्ते आते हैं मुनकर और नकीर सवाल करने वाले तो उसकी दाई तरफ एक खूबसूरत इंसान खड़ा होता है खूबसूरत इंसान खड़ा होता है और वो जो आए हैं उसको वो जब सवाल करते हैं मर रब का ये इंसान जवाब देता है मैं ये जवाब नहीं देती वो जवाब देता है मेरा रब अल्लाह है मेरा दीन इस्लाम है तुम जो पूछ रहे हो ये मेरे जवाब है वो रिपोर्ट लिख करके चले जाते अब ये हमारा मरहूम और मैयत पूछ रहा है इससे भाई तुम कौन हो यहां कैसे आ गए मेरी कबर में तो वो कहता है मैं तेरी नमाज हूं मैं तेरी नमाज हूं मेरे भाइयों अकेबली जिक्री नमाजों को कायम करो ये कबर में हमारे साथ आएगी आमाल अच्छे बनाओ ये कबर में हमारे साथ आएंगे उनसे दोस्ती और यारी लगाओ ये कबर में हमारे साथ आएंगे मर्द हो या औरत हम तमाम को कब्रस्त में जाकर सोना है उस खामोश शहर में सोना है दुनिया में तमाम कपड़ों के जैब होते हैं कोई कपड़ा ऐसा नहीं जिसके जैब ना हो लेकिन एक कपड़ा है जिसका कोई जैब नहीं वो मेरा और आपका कफन है जिसका कोई जैब नहीं हुआ करता Allah, हम सब को दीन मतीन को समझने की तोफ़ी अता फरमाए अब थोड़ी देर अल्लाह के जिक्र की हमें तोफी अता फरमाए उसके तस्करे की उसके हबीब के तस्करों की अल्लाह ताला हम तमाम को उनकी बातों पर उनके नबी की बातों पर मुबारक जिंदगी पर हम सबको चलने की तोफ़ी अता फरमाए नबी करीम वह नबीकर वसम खैर मेंसनात हसना वकी नादा अल्लाह हमारे माफ फरमा हमारे कसूरों से दरगुजर फरमा अल्लाह हमारी फरमा जली खफी ज़ाहिर बातिन कबाइल को माफ़ फरमा अल्लाह हमने ये तौबा के हाथ बहुत मर्तबा उठाए इस्तेकामत नसीब न हुई अल्लाह हमें तौबा पे इस्तेकामत नसीब फरमा अल्लाह हमें तोबा पे इसकामत नसीब फरमा अल्लाह हमें तोबा पे इस्तकामत नसीब फरमा अल्लाह तमाम तरह की बुराइयों से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा अखलाक रजीला से हिफाजत फरमा अखलाक हमीदा हम सब को नसीब फरमा अल्लाह तेरी और तेरे हबीब की जो बातें कही गई उस पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा हमारे मरहूमिन की मगफिरत फरमा हमारे परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा बेकसूर कैद में है रिहाई नसीब फरमा अल्लाह गलत मुकदमात में है बाज्जत इज्जत बाइजत बरी फरमा और नजात अता फरमा अल्लाह इस मजमे में मर्द भी है औरतें भी है सबकी जायज तमन्नाओं को पूरी फरमा सबकी हाजतों को पूरा फरमा सबकी औलादों को नेत साल मुती और फरमा बर्दार बना अल्लाह मोहलिक बीमारियों से हलाक करने वाली बीमारियों से अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमा कैंसर से ब्रेन हेमरेज से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा मोहताजगी से हिफाजत फरमा अल्लाह इस मस्जिद को आबाद फरमा इसके आबाद करने वालों को आबाद फरमा इसकी मदद करने वालों को आबाद फरमा इसको मोहब्बत की नजर से देखने वालों को आबाद फरमा इस मस्जिद के लिए दौड़ने वालों को आबाद फरमा अल्लाह इसमें नमाज पढ़ने वाले सबको माफ फरमा और सबके मकानों को जिंदगियों को आबाद फरमा सबके कारोबार में अता फरमा अल्लाह हमारी दुआओं को अपने फजलो करम से कबूल फरमा वाली करीम बराहमति क्या जी

ये अंदर तक किस बात हो जी मैं बहुत कम मालूम सुनता हूं होते हैं वहां موضوع तो में सर ये आ रहा है जरूरी मत पूछो कोई बात नहीं अब से ये सवाल ये मेरा क्वेश्चन है दुनिया की कुछों में और कंट्रीज कौन-कौन इस्तेमाल करते हैं आगे जा बांग्लादेश भी है पाकिस्तान भी है इंडिया भी है

कि दुआएं तो बंदे की सारी कबूल होती है इतना होता है कि बंदा जो अल्लाह से मांगता है अगर वो उसका लायक होता है तो फौरन देता है एक बात अगर उसका लायक नहीं होता तो अल्लाह उसकी जगह कोई और चीज उसको देता है दो बात तीसरी बात या कभी अल्लाह दुआ को स्टॉक करके कयामत में हमें उसका बदला आता फरमाएंगी इसलिए कि दुआ एक इबादत है तो गोया वो भी अल्लाह के वहां उसका बदला मिलेगा तो दुआ तो बंदे की बिल्कुल जय नहीं हुई चाहे जिस शक्ल में भी दूसरी बात यह है कि हमें सबसे बड़ा मसला यह है कि हम ये दुआ करते हैं और समझते हैं कि अभी सुबह दुआ हुई और शाम तक में, में मेरा काम हो जाना चाहिए दुआ का मसला ऐसा है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक हदीस सुना दो हजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की जिंदगी में थे आप नमाज पढ़ रहे थे सजदे में आप पर ऊंट की हौजरी डाल दी बहुत मशहूर रिवायत है हजरत फातिमा ने हटाया आप उठे और आपने बदुआ की अः अल्लाह अबू जहल की पकड़ फरमा अबू लहब की जो जो लोग थे उनके नाम लिए उसके बाद फरमाया कि अल्लाह सारे इन लोगों की पकड़ फरमा अब्दुल्ला मक्का के, के तीन साल गुजर गए नबी की इस दुआ का असर जाहिर नहीं हुआ हम देख रहे थे कि वो लोग दन दनाते फिर रहे तो हमें भी यही सवाल हुआ था जो आपको सवाल हुआ अब्दुल्लाबन मसूद कहते हैं मुझे भी ये सवाल हुआ कि क्या बात है ये दुआएं कहाँ जा रही है लेकिन जब हम मदीने में पहुंचे और सनी जिरी दो में बदर हुआ तो बदर होते ही अल्लाह ने उन सब को पकड़ लिया जिनसे मुतालिक नाम लेकर दुआ की थी अब्दुल्ला इबने मसूद कहते हैं पांच साल के बाद नबी की दुआ जाहिर हुई जाहिर सी बात है इसका एक टाइम होगा तब दुआ जरूर हमारी जाहिर होगी दो बातें तीसरा मुस्लिम शरीफ में रिवायत है कि बहुत सारे लोग लंबे लंबे हाथ करके दुआएं करते हैं हजूर फरमाते हैं वह आम हो हराम व लिबास हो हराम व शराब हो हराम कपड़ा भी हराम का खाना भी हराम का पीना भी हराम का अल्लाह उसकी दुआ कहाँ से कबूल करेगा? चाहे वो हरम का गिला पकड़ के दुआ करे चौथी बात कुर करीम में अल्लाह फरमाते इनकुन तुम तो हिब्बू अल्लाह फतूनी युहबिब कुमला दोनों बकुम मेरे नबी की इतबा करोगे तो अल्लाह कहता है मैं मकफिरत भी करूंगा मोहब्बत भी करूंगा और अल्लाह जब मोहब्बत और प्यार देने पर आ जाए तो उसके बंदों को कोई मार नहीं सकता लेकिन आज जो हालात हैं सुन्नत रसूल छूटने की बुनियाद पर है अगर वो आ जाए इन बेरापार पार हो जाएगा जजाको मल्ला आपने बहुत अच्छा सवाल किया गुज़ा गुमला मौलाना का शुक्र गुज़ार हूँ कि मौलाना वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए अल्लाह ताला बेहतरीन बदलाता I know. I know.